दिनों बेड़िया थाना क्षेत्र में पति पत्नी की खून से सनी लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी, जिस मामले में पुलिस ने 5 दिन में खुलासा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी द्वारा उसके भाई के विवाद के बाद मृतक गोपाल द्वारा दर्ज रिपोर्ट वापस नहीं लेने के आक्रोश में दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी गई थी। इसका खुलासा करते हुए एसडीओपी मान सिंह ठाकुर ने बताया कि बेड़िया थाने के अंतर्गत ग्राम मरदलिया में ग्रामीणों द्वारा 17 जनवरी को रास्ते पर वृद्ध महिला पुरुष की खून से सनी लाश देखी गई थी। इसकी सूचना पर प्रभारी ASI हरिप्रसाद पाल ने अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर जांच कर मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए ASP शशिकांत कनकनवे, SAF अधिकारी डॉक्टर मकवाना, TI राजेंद्र सोनी ने मौके पर निरीक्षण किया एवं थाना इंचार्ज पाल के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक अजय दुबे, ब्रज कोशोर कश्यप, राकेश शर्मा, आरक्षक कन्हैया, रोबिन आदि की टीम गठित कर आवश्यक निर्देशन निर्देश भी दिए। इसके बाद SDOP के निर्देशन पर लगातार विवेचना की जा रही थी। ठाकुर ने बताया कि मृतक गोपाल झिगड़िया तथा राधाबाई टोकरस निवासी थे और प्रतिवर्ष मजदूरी करने आते थे, जो कि मरदलिया में बाबूलाल के यहाँ रहते थे। घटना दिनांकों को गोपाल व राधाबाई की आपस में बहसबाजी हो गई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने गोपाल को धक्का मुक्की कर दी, जिसकी रिपोर्ट गोपाल द्वारा बेड़िया थाने में दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद बाबूलाल ने बताया कि रोड पर कुछ लड़के चर्चा कर रहे थे कि गोपाल भील को राजा चरण ने मारपीट किया है, जिसके बाद पुलिस की सुई राजा चरण पर अटक गई। पुलिस द्वारा राजा को हिरासत में लेने पर मुखबिर से सूचना के बाद ज्ञात हुआ कि राजा और उसका भाई अमरा द्वारा दोनों को शराब पिलाकर समझौता कराने का दबाव डाला गया था। नहीं मानने पर अमरा ने हमला कर पत्थर से सिर को चोट पहुंचाकर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अमरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 17/1/2019 को दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसकी सूचना थाना बेड़िया पे मिली थी। थाना बेड़िया द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मौके पर जाकर SI पाल और साथ ही अपने SI दुबे और अन्य स्टाफ को लेकर पहुंचे। मौके की स्थिति बताते हुए बताया कि दोनों के शव सिर में चोटें होकर खून से लथपथ पड़े। सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, FSL यूनिट प्रभारी श्री मकवाना साहब और थाना प्रभारी सनावत राजेंद्र सोनी और स्वयं में मौके पर आए, बारीकी से देखा। घटना गंभीर थी, इस बात को देखते हुए तत्काल मौके पर कार्रवाई करके हमने टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद टीम में शामिल हमारे स्टाफ को दिशा निर्देश दिए विवेचना के संबंध में और लगातार मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और मेरे द्वारा प्रकरण में की जा रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक गोपाल ग्राम इगरिया चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला, उसकी पत्नी राधाबाई जो टोकसर की रहने वाली, जो मियां बीवी के रूप में बाबूलाल के घर रहते थे और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वो मजदूरी करने और अपने कमाने खाने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे। दिनांक घटना को शाम के टाइम इनके पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान राजा चरण जो गांव मरदलिया का रहने वाला, उन्होंने इनको वाद विवाद दौरान इनको अलग किया और धक्का मुक्की गोपाल से कर दी थी, जिसके बुरा मानकर गोपाल ने थाने में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट लिखा के चला गया। गाँव में पता चला कि राजा चरण ने गोपाल को मारपीट आज किया था, इस बात की भी बात बाबूलाल को पता चली और इसी दौरान ये बात संज्ञान में आई कि राजा चरण का छोटा भाई अमरा चरण इनको शराब पिलाकर समझौता कराने का दबाव डाल रहा था। नहीं मानने पर रास्ते में उसने दोनों को पत्थर से कुचलकर सिरों में चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी। इस प्रकार से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कौन सी धारा के तहत सर केस दर्ज हुआ? प्रकरण क्रमांक 11/19 धारा 302-201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध के लिए और आरोपी अमरा को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी अमरा का पूर्ण पहले का भी रिकॉर्ड मारपीट का है, क्रिमिनल टाइप व्यक्ति है। सर कौन सी सजा हो सकती है इनको?